हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तक होमोलॉगस आर्गन और एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा, होमोलॉगस आर्गन और एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा, मतलब हमने ये सीक्वेंस पढ़ लिया, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़ लिया होमोलॉगस आर्गन वाला। अब हमको पढ़ना है एनालॉगस आर्गन। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एनालॉगस आर्गन क्या होते हैं। मैंने ये फटाफट लिखा कि एनालॉगस आर्गन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है, बहुत ही मतलब आपको मैं कैसे कहूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप सीख जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले मैं आपको लिख देता हूँ इसकी डिफिनेशन लिखिया जाए कि देखिए दोज आर्गन्स, ये देखिए दोज आर्गन्स, मैं पूरे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, दोज आर्गन्स डिसिमिलर डिसिमिलर इन किस किन चीजों में डिसिमिलर हो, डिसिमिलर इन ओरिजिन, उनकी ओरिजिन डिसिमिलर हो, उनका प्लान डिसिमिलर हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर हो, ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर हो, ये देखिए, बट फंक्शन इज सिमिलर, उनका जो फंक्शन होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब ऐसे ऑर्गन्स, पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो फंक्शन होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। होमो एनालॉगस ऑर्गन्स में फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी है, और आपको क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि डिसिमिलर क्या क्या होना चाहिए। अगर आप डिसिमिलर देखें तो उनका एक डिसिमिलर होना चाहिए ओरिजिन, प्लान और ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसिमिलर होना चाहिए जो मैंने दूसरी चाक से अंडरलाइन किया है, लेकिन जो फंक्शन है वो सिमिलर होना चाहिए। अगर उनका फंक्शन सिमिलर है, ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है डिसिमिलर है, तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। आइए एग्जांपल्स देखा जाए, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है इस सीरीज का वो है विंग्स ऑफ बैट बर्ड्स आर एनालॉगस टू विंग्स ऑफ इंसेक्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कहना चाहते हैं या ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो इंसेक्ट के विंग्स हैं वो बैट और बर्ड्स के एनालॉगस हैं। तो बैट और बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो इंसेक्ट्स के एनालॉगस हैं। इसका पहली बात तो मैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात लिख दूं कि इसका फिगर और एक्सप्लेनेशन दोनों एनसीईआरटी में है। तो जो बात एनसीईआरटी में उसको नोट कर लेना, उसमें मतलब कोई आपको कोई भी ढीला ढाली या हवाले नहीं करना है, नहीं नुकसान हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हो गया बैट और बर्ड का जो विंग्स है वो इंसेक्ट के एनालॉगस है, क्योंकि अगर आप बैट का विंग्स देखें तो इसे पटेरियम कहते हैं, ये बोनी है, ये फेदर है, और ये जो इंसेक्ट के विंग्स है ये काइटिनस होते हैं। तो बैट और बर्ड्स के विंग्स इंसेक्ट के विंग्स के एनालॉगस होते हैं। क्या क्या डिफरेंस डिसिमिलर है, ओरिजिन प्लान ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर है, लेकिन फंक्शन क्या है सिमिलर है। कौन सा फंक्शन सिमिलर है, चाहे वो बैट हो चाहे बर्ड हो चाहे विंग्स इंसेक्ट हो, सबके सब फ्लाइंग करते हैं। दूसरा देखिए, इसका अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है ये देखिए स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप ये बात देखें, बिच्छू है स्कॉर्पियन, जिसे हम लोग बिच्छू कहते हैं, और ये वी है हनी वी है, इसके स्टिंग की बात हो रही है। स्टिंग माने डंक होता है, कभी अगर आपको बिच्छू ने मारा है, डंक मारा है, या कभी आपने बिच्छू को देखा है तो बिच्छू की जो टेल होती है उसके लास्ट सेगमेंट को हम लोग टेंशन कहते हैं, उसी टेल से वो डंक मारता है। जबकि हनी बी जो होती है उसकी टेल से डंक नहीं मारता, उसके लास्ट सेगमेंट पे स्टिंग नहीं होता है, वो उसके माउथ के आसपास होता है। तो इन दोनों की ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। नेक्स्ट आप डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका वो है, इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइलोक्लैड, मैं पूरा एग्जाम्पल लिखता हूं आपको, फाइलोक्लैड ऑफ रस्कस, फाइलोक्लैड ऑफ रस्कस एंड लीफ।
ये देखिए, ये नेक्स्ट एग्जांपल है इस सीरीज का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा जो लिखा हुआ है, कौन सा एग्जांपल आपसे पूछा जाने वाला है, ये देखिए, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। आप तो जानते होंगे ना पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो क्या है? आलू है, ट्यूबर है, ये स्वीट पोटैटो है। एडवेसिस सही है। तो अगर आप देखें तो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। क्या फंक्शन दोनों का सेम है? दोनों स्टार्च कंटेन करते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो आर्गन है, ये इनर लागस आर्गन है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। फाइलोक्लेरा फ्रस्कस एंड लीफ। एक एग्जाम्पल आप और देख लें, एक बात आप और देख लें, ये आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बता दूं, पहले मैं दोनों को अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं बेटा, ये दोनों एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये आपकी मेडिकल का टिकट है एनसीईआरटी। आप ये सोचेंगे कि ऑक्टोपस और मैमल्स की आईज में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंट इन रेटिनल पोजीशन, डिफरेंट इन रेटिनल पोजीशन। इनकी जो तो आईज हैं वो रेटिनल पोजीशन इनकी डिफरेंट है, सेम जो है उनकी जो आई है उनकी सेम लोकेशन है, उनकी रेटिना की पोजीशन अलग अलग है। तो कितने एग्जांपल्स होते हैं, विंग्स ऑफ बैट बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है एनालॉगस है, स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन एनालॉगस है, फाइलोक्लेरा फ्रस्कस एंड लीफ एनालॉगस है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एनालॉगस है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स जो है एनालॉगस है, इनकी आईज है। इसके सिवा और एग्जांपल्स आप यहां पर देखें, अगर आप और देखते हैं तो ये देखिए, फेल्विक फिन ऑफ फिशेस, फेल्विक फिन ऑफ फिशेस एंड व्हेल, ये नेक्स्ट आपके यहां जो है ये एनालॉगस आर्गन है। एक और एग्जांपल आप देख लें, ये देखिए, आप देखिए, फ्लिपर ऑफ सील। सील क्या है? सील में जो है फ्लिपर जो पाया जाता है, सील क्या है पहले आप जान लें, सील क्या है, बर्ड है, ये बर्ड है, फ्लिपर ऑफ सील एंड लिखिए, और लिखिए फ्लिपर ऑफ सील एंड पेंगुइन लिखिए। ये देखिए दोनों में क्या क्या डिसिमिलर है, दोनों के फ्लिपर की डिसिमिलर ओरिजिन है, प्लांट भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन सील और पेंगुइन का जो फ्लिपर है दोनों स्विमिंग में मदद कर रहे हैं। इस तरह से आपको आकर आप देखें तो ये जो आर्गन्स लिखे हैं, ये आर्गन्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, इन आर्गन्स में देखिए बैट बर्ड और इसका इंसेक्ट का जो विंग्स हैं उनके प्लान ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर, इनकी फंक्शन सिमिलर है, फ्लाइंग मदद करते हैं। बीज और स्कॉर्पियन के जो ओरिजिन है स्टिंग की, वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, स्टिंगिंग का काम करते हैं। ये देखिए रस्कस और लीफ की जो क्या कहते हैं ओरिजिन है फाइलोक्लेट की, वो डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो की ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। एक चीज और आप देख लें यहां पर थोड़ा सा आप देख लें क्योंकि ये छूट जाएगा, ये मैंने सीवी लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा, ये सीवी का मतलब करिकुलम वाइटी नहीं है, ये सीवी का मतलब कॉन्टेक्टाइल बेकुल है। तो सीवी ऑफ अमीबा, तो अगर आपको पता हो तो जो अमीबा होता है उसकी जो कॉन्टेक्टाइल बेकुल है, जो अमीबा की कॉन्टेक्टाइल बेकुल है उसका काम क्या है, उसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये जो कॉन्टेक्टाइल बेकुल ऑफ अमीबा है एंड किडनी ऑफ ह्यूमन, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। आप अगर आप ध्यान से देखें किडनी ऑफ ह्यूमन, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप एक बात यहां देख लें कि जो अमीबा का कॉन्टेक्टाइल बेकुल है और ह्यूमन की जो किडनी है, इनका क्या काम है, दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक काम क्या है, दोनों एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल जो मुझसे स्लिप कर रहा है, वो भी ना मैं बताया आपको छोड़ूंगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप यहां देखिए, यह मैंने लिखा है, शायद आपने पढ़ा हो, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है लेकिन आपको सीखना है। ये देखिए, क्लोरोऑर्गन सेल्स ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम में जो क्लोरोऑर्गन सेल्स हैं, एंड पूरी बात लिख दिया जाए, लीवर ऑफ ह्यूमन, लीवर ऑफ मैन या ह्यूमन कर लेते हैं, जगह कम है, मैंने ये बात लिख दी। तो ये क्लोरोऑर्गन सेल्स एनिडा में पाई जाती है और मनुष्य के लीवर है, दोनों के ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। क्लोरोऑर्गन सेल्स एनिडा की और मनुष्य का लीवर, दोनों के ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। तो ये सारे आपको एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स नोट करने हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन पढ़ाए, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ाए। अब हम लोग इसके आगे वाली बात करते हैं। आगे वाली बात क्या है? आगे वाली बात यह है कि अब हम लोगों को पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट। देखिए क्या लिखा है मैं बोर्ड पे, हम लोगों को पढ़ना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये देखिए, ये इवोल्यूशन पढ़ना है जिसका नाम है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये टॉपिक पढ़ना है कि भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। तो हम लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसका दूसरा नाम एडाप्टिव डाइवर्जेंस है, एडाप्टिव कन्वर्जेंस है। मान लीजिए कहीं आपसे कोई पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप इसका नाम बताएंगे कि इसका दूसरा नाम एडाप्टिव कन्वर्जेंस है। अगर यह किसी क्लोज ग्रुप में होता है, मैं सबको का ध्यान रखना है, अगर ये किसी क्लोज ग्रुप के रूप में होता है तब हम इसे लोग दो क्लोज ग्रुप में हो, बहुत ही क्लोज स्पीसीज के बीच में हो, तब हम लोग इसे पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एडाप्टिव रेडिएशन जो है, पहले मैंने आपको एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ाया था, अब आपको मैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव कन्वर्जेंस या पैरेलल इवोल्यूशन पढ़ाता हूं। ये दोनों चीजें सिमिलर है, मैंने इसलिए इसको एक लाइन में लिखा है, ये चीज डिफरेंट है। जब ये क्लोज ग्रुप्स के एनिमल्स के बीच में होती है तो इसे हम लोग पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। क्लोज ग्रुप्स के बीच में हो, जैसे दो क्लोज ग्रुप के बीच में अगर ये इवोल्यूशन होता है तब हम इसे लिए पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या डिफिनेशन होगी, देखिए मैं लिखता हूं मैं कि डेवलपमेंट ऑफ ध्यान देंगे आप, सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यह इतना बस पर्याप्त है, इसके बाद ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए यहां, देखिए मैंने क्या लिखा, दे डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री। पिछले में पूरी बात लिख दिया जाए फिर हम लोग डिस्कस करें। जब मैं आपको एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि एक ही एंसेस्टर से कई जातियों का निर्माण होता है। यहां मैंने क्या लिखा, दे डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री बट एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन। वो कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं बताते हैं लेकिन इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। कैसे इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किसके चाइल्ड हैं, आप कहेंगे सर आप ह्यूमन है, होमो सेपियंस सेपियंस है। अगर आपके साथ किसी कंगारू का बेबी, किसी एक का बेबी आके आपके ही जैसा व्यवहार करे, दो अलग अलग संतानों की, दो अलग अलग एंसेस्टर की संतानें जब एक जैसा बिहेव करती हैं, उनमें एक जैसा एडाप्टिव स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होता है,
तो इस तरह के एवोल्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। ये बात ऐसे एक्सप्लेन नहीं की जाती जैसे मैंने किया, इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल पकड़े तब समझ पाएंगे। पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, तब आप ये बात सीख पाएंगे। आप इसका एग्जाम्पल देखें तब आपको ये बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स देखिए, तो एग्जाम्पल्स इसका है मार्सुपियल्स एंड यूथीरियंस, मार्सुपियल एंड यूथीरियंस, ये दोनों मिलके, मार्सुपियल्स और यूथीरियंस ये दोनों मिलके इनके जो एंसेस्टर हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये बात ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी ने कैसे चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट को देखिएगा, फोकस करिएगा इस जगह पे। चार्ट आप एनसीईआरटी का अगर आप देखते हैं तो चार्ट में क्या लिखा है, पहले आप चार्ट एनसीईआरटी का देखेंगे। अगर आप चार्ट एनसीईआरटी का देख रहे हैं यहां पे, तो देखिए यहां पर लिखा है मार्सुपियल एंसेस्टर। मैं लिख देता हूं पहली बात मार्सुपियल एंसेस्टर्स, ये पहली बात लिख दी जाए। तो मार्सुपियल एंसेस्टर्स, अगर इन मार्सुपियल एंसेस्टर्स में ऐसे आप खींचते हैं ऐसे लगातार इसके कॉलम को डेवलप कर दें, तो पहले आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ लें कि मैं पढ़ना क्या चाहता हूं। एक तरफ लिखा है मार्सुपियल एंसेस्टर्स, अगर इस मार्सुपियल एंसेस्टर में आप देखें तो आपको एक मिलेगा, पहला एग्जांपल मिलेगा इस जगह पे, लिखा जाएगा मार्सुपियल फॉक्स, ये पहला एग्जांपल मार्सुपियल फॉक्स, मतलब एक लोमड़ी है जो मार्सुपियल की, मतलब उसके एंसेस्टर मार्सुपियल्स है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल जो है वो है ग्लाइडर, ग्लाइडर है। तीसरा देखिए मार्सुपियल कैट है, मार्सुपियल कैट है, मार्सुपियल कैट है। और एक एग्जांपल और देखिए, मार्सुपियल कैट है, ग्लाइडर है, मार्सुपियल फॉक्स है, और एक एग्जांपल और आप लिख लीजिए मार्सुपियल मोल है। मैंने अगर आप ध्यान से देखें, मैं फिर से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे यहां पे कि ये एंसेस्टर है। इस एंसेस्टर से अभी आपने पीछे पढ़ा कि मार्सुपियल्स जो है एडाप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो इन मार्सुपियल्स से ये चार संतानें बनी, मार्सुपियल फॉक्स बनी, ग्लाइडर बनी, फेलेंजियल ग्लाइडर इसका पूरा नाम है, मैं इसको लिख देता हूं फेलेंजियल ग्लाइडर, इसका पूरा नाम है फेलेंजियल ग्लाइडर। और ये देखिए मार्सुपियल कैट बनी, मार्सुपियल मोल बना। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कैसा एडाप्टेशन है, कौन सा एडाप्टेशन, आप कहेंगे सर एडाप्टिव रेडिएशन है, क्यों एडाप्टिव रेडिएशन है, एंसेस्टर ये थे उसकी संतानें अलग अलग है, बोलो हाँ। ये देखो मार्सुपियल्स मतलब एक एंसेस्टर से कई जाति का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या है एडाप्टिव रेडिएशन है। अब आप इसका दूसरा कॉलम देखें, अगर आप दूसरा कॉलम देखते हैं तो यहां लिखा है प्लेसेंटल एंसेस्टर्स। मैं इसको दूसरी पेन से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो जग लगेगा सूना सूना। ये मार्सुपियल एंसेस्टर्स है, इनकी संतानों को अगर इस एंसेस्टर के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो एडाप्टिव रेडिएशन है। ये प्लेसेंटल एंसेस्टर्स है, इनमें देखिए, इनमें अगर देखा जाए तो यहां पर फॉक्स पाई जाती है, लेकिन ये फॉक्स प्लेसेंटल वाली है, मतलब जो हम लोग लोमड़ी देखते हैं वो फॉक्स है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी ग्लाइडर पाए जाते हैं, ये आपको बड़े बड़े जंगलों में दिखाई पड़ेंगे, ग्लाइडर पाए जाते हैं। यहां पर वो बिल्ली पाई जाती है जिसे आप रोज देखते हैं, जो आपके घर का दूध पी जाती है, और ये मोल है जिसके लिए आपने गाना गाया, अब दोबारा मैं नहीं गाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप पॉइंट यहां पर फोकस करें कि अगर हम इसे इस तरफ फंड कर दें तो ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है, अगर हम इसे इस तरफ व्हाइट वाले को बंद कर दें इसे देखें तो ये एडाप्टिव रेडिएशन है, दोनों एडाप्टिव रेडिएशन है, ये फादर्स हैं, ये इनकी अलग अलग संतानें हैं। लेकिन अगर एक कॉमन बात देखें, अगर हम इनको इस चार्ट को अलग अलग देखते हैं तो ये एडाप्टिव रेडिएशन है, लेकिन अगर इन दोनों चार्ट में हम इस फॉक्स का और इस फॉक्स का व्यवहार देखें, वे ऑफ लिविंग देखें, इनमें हम लोग एडाप्टेशन देखें तो सिमिलर है, इस फॉक्स का भी एडाप्टेशन और इस फॉक्स का भी एडाप्टेशन सिमिलर है, जबकि इनके एंसेस्टर क्या डिफरेंट है। तो मैंने जब एंसेस्टर डिफरेंट है तो मैंने क्या लिखा है, यहां देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, उनके पास कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है,
क्यों कॉमन एंसेस्टर नहीं है भाई? इसका एंसेस्टर इस फॉक्स का एंसेस्टर ये, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिसलीड टीका। ये जो मार्सुपियल फॉक्स इसका एंसेस्टर ये है और इस फॉक्स का एंसेस्टर ये है। ये चार टेबल जो है, पहले मैं बड़ा बड़ा लिख दूं कि ये टेबल भी आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी बना हुआ है और ये फॉक्स टेबल हर साल पूछी जाती है, साल दर साल जब भी मना आप जब मन कहता है तब पूछ लेते हैं। लेकिन आपको फोकस क्या करना है, ये इतना रखना है कि ये जो मार्सुपियल एंसेस्टर है इसके जो बेटे का नाम एवी फॉक्स है और ये भी प्लेसेंटल एंसेस्टर है, इसके भी बेटे का नाम फॉक्स है। दोनों फॉक्स का एडाप्टिव स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। देखिए यहां लिखा है सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर, ये लिखा है सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर। सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर क्या है? दोनों का एडाप्टेशन एक जैसा है, लेकिन यहां क्या लिखा है? दे डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री। इसके एंसेस्टर का नाम मार्सुपियल एंसेस्टर है, इसके एंसेस्टर का नाम प्लेसेंटल एंसेस्टर है। दोनों के पिता अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की संतानों का व्यवहार एक जैसा है। भारत में अगर कोई बच्चा है, युगांडा का कोई बच्चा है, दोनों का व्यवहार एक जैसा हो, दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है, वो युगांडा का है, ये इंडिया का है, दोनों का जब व्यवहार एक जैसा होगा, एंसेस्टर तो अलग अलग है लेकिन संतानों का व्यवहार एक जैसा है। इस तरह के इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। देखो कन्वर्ट कर देना, मतलब देखिए यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है? अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन जब क्लोज रिलेटेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तब इसे हम लोग पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट की बात है, मैं संभल के बोलता हूं। वो जो चार्ट एनसीईआरटी बना हुआ है, इस चार्ट को अगर आप हाफ ऑफ देखेंगे तो वो एडाप्टिव रेडिएशंस है, दोनों चार्ट अलग अलग, मतलब मार्सुपियल एंसेस्टर्स देखेंगे तो वो हो जाएगा मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, प्लेसेंटल एंसेस्टर्स का देखेंगे तो वो अलग एडाप्टिव रेडिएशन है। लेकिन जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, चार्ट को दोनों तरफ देखेंगे, चार्ट को इस तरफ भी देखेंगे, चार्ट को इस तरफ भी देखेंगे, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। एक शब्द में सीधा सीधा समझिए, एक शब्द में सीधा सीधा समझिए कि जब एंसेस्टर डिफरेंट हो लेकिन उनके संतानों का व्यवहार एक जैसा हो, उनके जो एडाप्टेशंस है, वेज ऑफ लिविंग है, वो सेम हो, तो उन्हें हम लोग इस तरह के एवोल्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। ये फॉक्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ी है, ये फॉक्स इंडिया में पड़ी हुई है, दोनों के एंसेस्टर अलग हैं लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा है। जब दोनों का व्यवहार एक जैसा है, दोनों के वेज ऑफ लिविंग एक जैसे हैं, दोनों में सिमिलर एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो दो एडाप्टिव रेडिएशन को एक साथ कंपेयर करने पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का